आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूपी के चौथे, पांचवे, छठे और सातवें चरण के अधिकतर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। काशी और गोरखपुर क्षेत्र समेत सभी सीटों पर चर्चा की गई। उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ गठबंधन की सीटों और चुनाव प्रचार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इससे पहले आज दिन में बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर सीटों को लेकर गठबंधन के नेताओं संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ बैठक हुई। संजय निषाद ने कहा कि सीटों को लेकर कोई तनातनी नहीं है। चुनाव न निषाद पार्टी लड़ रही है, न अपना दल, न भारतीय जनता पार्टी। चुनाव एनडीए लड़ रहा, देश की जनता लड़ रही है। इसलिए लड़ रही है कि वो जो पिछली आताताई लोग हैं वो दोबारा न आ जाएं। कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूपी के तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे का औपचारिक ऐलान कर दिया है। एएपी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मोहाली पहुंचे और उन्होंने भगवंत मान के नाम का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए एएपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए मोबाइल नंबर जारी कर जनता से राय मांगी थी। भाई भतीजे बेटे बनकर लोगों के द्वार पर जाएंगे और जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है इस काबिल समझा है तो और भी दुगने हौसले से काम करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चेहरा बनाए जाने पर भगवंत मान को बधाई दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। हजे बड़ी दिल्ली दूर है, लेकिन ये है कि जे लाड़ा मिलिया है ते बधाई है। बीजेपी ने भगवंत मान को घेरते हुए सवाल किया है कि क्या वो पंजाब को कर्ज मुक्त और नशा मुक्त कराएंगे। ये सबसे बड़ा मजाकिया सवाल होगा अगर ये कहा जाए कि भगवंत मान पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। अवैध रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अलग अलग ठिकानों पर की गई छापेमारी से करीब 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए इसे पंजाबियत पर हमला बताया है। अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए, इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी रेड बीजेपी का फेवरेट हथियार है क्योंकि उनके पास खुद भी छिपाने के लिए चीजें हैं। हम ना डरने वाले, ना दबने वाले, ना झुकने वाले। नरेंद्र मोदी जी ने हमला बोला है दलितों के अधिकारों पर, दलितों के सम्मान पर। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी है। चुनावों में मुद्दा बनाना आसान है, लेकिन उसके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया और इस रेत में कौन कौन शामिल है वो समझ आना चाहिए, पता लगाना, जनता जाने। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए इस्तीफे की पेशकश की है। रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा है कि अगर पार्टी उनके बेटे को लखनऊ कैंट सीट से टिकट देती है तो वो सांसद पद छोड़ने के लिए तैयार है। जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में दो को नहीं देंगे तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का कहना है कि पार्टी में अपनी बात रखने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। उनसे यही हम सबको उम्मीद है कि वो इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी रहे। आज पूरा निश्चित रूप से उनका हम सभी लोग सम्मान करते हैं, पार्टी भी उनका बहुत सम्मान करती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले मुफ्त बिजली का नारा दिया और अब मुफ्त बिजली के लिए नाम लिखवाओ अभियान शुरू करने जा रही है। 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले उनके लिए
नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। विपक्ष ने अखिलेश यादव के मुफ्त वाले दावे और नाम लिखवाने की अपील पर निशाना साधा है। जब उनकी सरकार थी तब तो किए नहीं, ऐसा कौन सा उनके अंदर गुण आ गया, किस नया कौन से स्कूल मिल गया है कि उनको आज के दिन होश आ रहा कि इन्हें फ्री चाहिए। अखिलेश यादव ने चुनाव जीतने के बाद 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान को कांग्रेस के समर्थन देने पर सवाल उठाए। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। बीजेपी के बयान पर मौलाना तौकीर रजा खान ने पलटवार किया और पुराने बयान पर राजनीति करने का आरोप लगाया। 7 तारीख के बयान को आज उठाने का मतलब ये है कि आपको मेरे बयान पर एतराज नहीं है, आपको पता है कि मेरा बयान ठीक है, लेकिन आपको किसी न किसी बहाने से कांग्रेस को घेरना है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में आपराधिक नेताओं की भरमार है। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए। गणतंत्र दिवस की झांकी को लेकर उठे विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की। रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी को लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है। पीएम मोदी ने 23 जनवरी को उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। हर साल गणतंत्र दिवस समारोह अब 24 के बजाय उनकी जयंती यानी 23 जनवरी से शुरू होगा। झांकी के चयन की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है और एक कमेटी ही इसका चयन करती है। 2016, 2017, 2019 और 2021 में पश्चिम बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किया गया था। इस बार 29 में से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी दी गई है। इस बार CPWD की झांकी में भी नेताजी को 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन को लिखे पत्र में राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य की झांकी को लेकर कमेटी की बैठक में 3 बार चर्चा हुई और इसके बाद राज्य की झांकी अंतिम 12 में जगह नहीं बना सकी। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.